नमस्कार, मैं कोमल आरआर से समाचार में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। शिवार फेरी का कुलगुरु के हाथों उद्घाटन। अंधश्रद्धा निर्मूलन कानून को लेकर कार्यशाला का आयोजन। गौरक्षण रोड पर मनपा ने ढहाया मंगल कार्यालय का अतिक्रमण। वरिष्ठ अधिकारियों ने लगाई फटकार, कुंभकर्ण नींद से जागी यातायात शाखा। कुख्यात आरोपी अजय गालट चढ़ा पुलिस के हत्थे। खेती की उन्नत तकनीक का लाभ किसानों को मिले, इस उद्देश्य को लेकर पीकेवी में आयोजित शिवार फेरी का उद्घाटन पीकेवी के कुलगुरु के हाथों किया गया। अकोला के डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय की ओर से संशोधित उन्नत प्रजातियों के बीज तथा उनकी सिफारिशों के प्रयोग तथा अपनी शंकाओं का समाधान कर सके, इस उद्देश्य को लेकर पीकेवी के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में पीकेवी में 25 से 27 अक्टूबर के बीच आयोजित शिवार फेरी का उद्घाटन कुलगुरु डॉक्टर भाले के हाथों किया गया। इस शिवार फेरी का लाभ विदर्भ के सभी किसान ले सकते हैं। शिवार फेरी के अथवा किसानों के कपास, नींबू वर्गीय फल, ज्वार, दलहन, तिलहन, असिंचित खेती, औषधि व सुगंधी वनस्पति, पशु संवर्धन तथा दुग्ध व्यवसाय आदि विभागों के साथ साथ पीकेवी स्मृति केंद्र, कृषि मशक्कत की मशीनें तथा औजार कटाई पश्चात की तकनीक, फल व सब्जियों की बुआई तकनीक आदि की जानकारी इस शिवार फेरी में आने वाले किसानों को दी जा रही है। 3 दिनों तक चलने वाले इस शिवार फेरी का लाभ बड़ी संख्या में किसान ले तथा दूसरों की भी अवगत कराए, इस तरह का आह्वान पीकेवी के विस्तार शिक्षा संचालक डॉक्टर दिलीप मानकर ने किया है। अंधश्रद्धा निर्मूलन कानून के प्रचार व प्रसार को लेकर पुलिस मुख्यालय के हॉल में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में प्राध्यापक श्याम मानव ने उपस्थित पुलिस अधिकारियों को उपयुक्त मार्गदर्शन किया। राज्य में अंधश्रद्धा विरोधी कानून को मजबूत करने हेतु तथा इस कानून के प्रसार प्रचार व जन जागृति हेतु अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति व संत गाड़गे बाबा राज्य स्तरीय प्रबोधन अभियान के तहत अकोला में आज वैज्ञानिक दृष्टिकोण व जादूटोना विरोधी कानून कार्यशाला का आयोजन किया गया। पुलिस मुख्यालय के सभागृह में आयोजित इस कार्यशाला में प्रमुख वक्ता के रूप में अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के अध्यक्ष प्राध्यापक श्याम मानव उपस्थित थे। कार्यशाला का उद्घाटन जिला पुलिस अधीक्षक माननीय राकेश कलासागर के हाथों किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में अपर पुलिस अधीक्षक विजयकांत सागर, अभियान उप प्रमुख किशोर वाघ, समन्वयक चंद्रकांत जटाले, सह समन्वयक सौ संध्या देशमुख आदि उपस्थित थे। इस कार्यशाला में उपस्थित पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारियों को प्रमुख वक्ता प्राध्यापक श्याम मानव ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण व जादूटोना विरोधी कानून को लेकर अपनी विशिष्ट शैली में उपयुक्त मार्गदर्शन किया। गौरक्षण रोड स्थित गणेश लॉन व मंगल कार्यालय का अतिक्रमण महापालिका द्वारा ध्वस्त किया गया। महापालिका की सीमा वृद्धि होने के बाद महापालिका प्रशासन द्वारा शहर के गौरक्षण रोड स्थित श्री गणेश लॉन तथा मंगल कार्यालय का अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के चलते महापालिका की हद में हाल ही में शामिल हुए परिसर के अतिक्रमण धारकों में खलबली मच गई है। पहले यह परिसर मलकापुर ग्राम पंचायत की हद में आता था, जिसके चलते लॉन के संचालक द्वारा मनमानी करते हुए 6000 फीट की जगह पर अतिक्रमण करते हुए पूरी सर्विस गली पर कब्जा जमा लिया था। मनपा की हद में यह परिसर आने के बाद तथा मालमत्ता के मापजोक के बाद इस गणेश लॉन व मंगल कार्यालय के संचालक द्वारा बड़े प्रमाण में किए गए अतिक्रमण की बात उजागर हो गई थी।
हालांकि इस अतिक्रमण को लेकर परिसर के नागरिकों ने तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रशासन के पास कई शिकायतें की थी, लेकिन ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों ने इस मामले में अर्थपूर्ण चुप्पी साध ली थी। जैसे ही यह परिसर मनपा की हद में शामिल हुआ, नागरिकों ने मनपा प्रशासन के पास शिकायतें की थी। इन शिकायतों की दखल लेते हुए मनपा प्रशासन ने संबंधित लॉन के संचालक को अतिक्रमण हटाने की नोटिस भी जारी की, लेकिन नोटिस की और अनदेखी होने के कारण आखिरकार महापालिका अतिक्रमण हटाव पथक ने इस गणेश लॉन तथा मंगल कार्यालय के सामने किया गया सभी अतिक्रमणित हिस्सा ढहाने की कार्रवाई की। आयुक्त अजय लहाने के मार्गदर्शन में यह कार्रवाई उपायुक्त गजानन सोलंके, नगर सचिव अनिल बिडवे, अतिक्रमण हटाव अधिकारी आत्माराम इंगोले के नेतृत्व में की गई। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा डांट फटकार लगाने के बाद अपनी कुंभकर्णी नींद से जागते हुए शहर यातायात नियंत्रण शाखा ने यातायात नियमों का भंग करने वाले कई वाहनों पर कार्रवाई की। अकोला शहर यातायात नियंत्रण शाखा के उदासीन रवैयों के चलते दीपावली के बाद शहर का यातायात पूरी तरह बेताल हो गया था। शहर में धड़ल्ले से वाहन चालक यातायात नियमों का भंग कर रहे थे। अवैध यातायात बढ़ गया था एवं कर्मचारियों की हड़ताल के समय लग्जरी बस चालकों ने मनमानी तरीके से किराया बढ़ा दिया था। यह मालूम होने के बाद भी एक भी लग्जरी बस पर शहर यातायात नियंत्रण शाखा ने कार्रवाई नहीं की थी। शहर यातायात नियंत्रण शाखा के इस घोर लापरवाही को लेकर सभी समाचार पत्र व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से समाचार प्रसारित किए गए थे, जिसकी दखल लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने शहर यातायात नियंत्रण शाखा की अच्छी खासी क्लास ली, जिसके चलते अपनी कुंभकर्ण नींद से जागते हुए शहर यातायात नियंत्रण शाखा द्वारा अवैध यातायात करने वाले 52 ऑटो, 4 लग्जरी बसेस, बिना अनुमति के घूमने वाली 12 एम्बुलेंस, 8 ट्रक, 18 मैक्सिमो व काली पीली टैक्सी आदि वाहनों पर एक ही दिन में कार्रवाई की। वरिष्ठ अधिकारियों ने कान कुरेदने के कारण ही यह कार्रवाई किए जाने की चर्चाएं चल रही है। फांसी की सजा लगा आरोपी पिछले कई दिनों से फरार था। इस आरोपी को सिविल लाइन पुलिस ने आज गिरफ्तार किया। सिविल लाइन पुलिस थाने के हद में आने वाले छोटी उमरी परिसर में एक प्रॉपर्टी के मामले में नावकार नामक व्यक्ति की हत्या करने वाले आरोपी अजय गालट को न्यायालय ने फांसी की सजा सुनाई थी। सन 2006 में फांसी की सजा पर उच्च न्यायालय ने रोक लगाने के आदेश दिए थे। उच्च न्यायालय का यह आदेश सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज किया था। तब से आरोपी अजय गालट फरार हो गया था। तब से पुलिस अजय गालट को पकड़ने में लगी थी। आज बुधवार को आरोपी अजय गालट शहर के शास्त्री नगर स्थित पुष्पांजलि अपार्टमेंट में आया है। इस तरह की जानकारी उप विभागीय पुलिस अधिकारी उमेश माने व सिविल लाइन के थानेदार अनवर शेख को प्राप्त हुई थी। इस जानकारी के आधार पर पुलिस ने जाल बिछाकर इस कुख्यात अजय गालट को गिरफ्तार किया। लंबी कालावधि के बाद यह कुख्यात आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ने के कारण पुलिस समेत नागरिकों ने राहत की सांस ली है। महापालिका आयुक्त अजय लहाने के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की हलचल तेज हो गई है। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए तथा आम सभा का आयोजन करने के लिए 50 पार्षदों द्वारा पत्रक पर हस्ताक्षर किए जाने की जानकारी प्राप्त हो गई है। महापालिका स्थायी समिति सभापति तथा अन्य 5 स्थायी समिति सदस्यों ने महापौर विजय अग्रवाल को एक पत्र देकर मनपा आयुक्त के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दाखिल करने के लिए विशेष सर्वसाधारण सभा बुलाने की मांग की है। सोमवार से ही इस पत्र के कारण महापालिका गलियारे में विभिन्न चर्चाओं का बाजार गर्म हो रहा है। महापालिका में सत्तादल भाजपा के 48 सदस्य है। एक अन्य सदस्य का समर्थन पहले से ही भाजपा को मिलने से मनपा के 80 सदस्यों की संख्या में भाजपा को पूर्ण बहुमत मिला हुआ है। इसलिए अगर अविश्वास प्रस्ताव दाखिल करने के लिए महापौर सभा बुलाते हैं तो सत्ता दल को इसे पारित करने में कोई परेशानी नहीं होगी, यह चर्चा है। लेकिन इस दौरान महापालिका में भाजपा के विरोधी दल क्या नीति अपनाते हैं, यह भी देखना होगा। आंकड़ों का गणित देखें तो 80 सदस्यों के कारण भाजपा को सभागृहों में पूरे सदस्यों की उपस्थिति में 50 सदस्यों का समर्थन प्राप्त करना होगा, जो काफी आसान साबित होगा। लेकिन इस दौरान राजनीतिक हलचलों का दौर किस मोड़ पर जाकर थमता है, यह भी देखना होगा। लक्ष्मी पूजन के दिन भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में भाजपा के अधिकांश पार्षदों ने मनपा आयुक्त को लेकर अपनी शिकायतों का पुलंदा वरिष्ठ के समक्ष खोल दिया था।
जानकारी के अनुसार वरिष्ठ स्तर पर भाजपा के पार्षदों को यह निर्देश मिल चुके हैं, लेकिन अंतिम समय तक इस स्थिति में क्या बदलाव होंगे यह भी कहा नहीं जा सकता। लेकिन यह जरूर है कि वर्तमान में महापालिका में जो स्थिति उभर कर सामने आई है, सत्ता दल के कई पार्षदों को सुकून मिला है, क्योंकि अधिकांश पार्षदों को मनपा प्रशासन से शिकायत है कि उनके सुझाए कामों के बदले प्रशासन अपने कामों को तरजीह देता है। इस प्रक्रिया में पार्षदों को नागरिक से दो चार होना पड़ता है। इस दौरान प्रशासन काम कर पार्षदों का क्रेडिट ले उड़ता है। अकोला रेल स्थानक का मुख्य प्रवेश द्वार क्षतिग्रस्त हो गया है। इस प्रवेश द्वार की जल्द से जल्द दुरुस्ती करने की मांग यात्रीगण कर रहे हैं। अकोला रेल स्थानक मध्य रेलवे का प्रमुख जंक्शन है। मुंबई कोलकाता के अथवा खंडवा व हैदराबाद जाने के लिए रेल स्थानक पर प्रतिदिन हजारों यात्री आते हैं। अकोला रेल स्थानक पर आने जाने के लिए दो प्रवेश द्वार है, जिसमें से एक प्रवेश द्वार को छत्रपति शिवाजी महाराज प्रवेश द्वार व अन्य प्रवेश द्वार को महामानव डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का नाम दिया गया है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर प्रवेश द्वार के ऊपर महामानव की प्रतिमा लगाने के लिए लोहे के एंगल से निर्माण किया गया प्रवेश द्वार निर्माण किया गया है। पिछले कई वर्षों से इस प्रवेश द्वार की मरम्मत नहीं की गई है। धूप तथा बारिश के परिणाम के चलते इस प्रवेश द्वार पर लगाए गए लोहे के एंगल कुछ कुछ जगह पर जंग लगने से सड़ गए हैं। यह एंगल सड़ने के कारण यह प्रवेश द्वार धोखादायक बन गया है। इस प्रवेश द्वार से होकर प्रतिदिन सैकड़ों प्रवासी ऑटो चालक रिक्शा चालक आना जाना करते हैं। यह धोखादायक बना प्रवेश द्वार कभी भी गिरकर यात्रीगण घायल हो सकते हैं या बड़ी दुर्घटना हो सकती है। साथ ही प्रवेश द्वार गिरने के कारण इस पर लगी महामानव के प्रतिमा की विटंबना भी हो सकती है। यह देखते हुए रेलवे प्रशासन द्वारा इस प्रवेश द्वार का नूतनीकरण जल्द से जल्द करने की मांग यात्रीगण कर रहे हैं। वापसी की बारिश तथा वातावरण में हुए बदलाव का परिणाम सब्जियों के उत्पादन पर हो गया है, जिसके चलते सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। वापसी की बारिश तथा वातावरण में हुए बदलाव का विपरीत परिणाम तथा सब्जियों पर विविध बीमारियों का प्रादुर्भाव होने के कारण सब्जियों की उपज में कमी आई है, जिसके चलते एन त्योहारों के दिनों में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। इस कारण गृहिणियों का घरेलू बजट गड़बड़ा गया है। जिन किसानों के यहाँ सिंचाई की व्यवस्था है, उन किसानों ने विविध सब्जियों की बुआई अपने खेतों में की थी। पहले सब्जियों की आवक बढ़ने के कारण सब्जियों के दाम घट गए थे, लेकिन पिछले सप्ताह में आई वापसी की बारिश व वातावरण में हुए बदलाव का परिणाम सब्जियों पर हो गया है। सुबह धुंध छाने के कारण सब्जियों पर इलियों का प्रादुर्भाव देखने मिल रहा है। इस कारण सब्जियों का उत्पादन कम हो रहा है, जिसके कारण सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। कोई भी सब्जी बाजार में 20 रुपए पाव से कम नहीं मिल रही है। इस कारण गृहिणियों का घरेलू बजट गड़बड़ा गया है। आगामी गुरु नानक जयंती को देखते हुए शहर के विविध गुरुद्वारों में विविध धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन चल रहा है। आने वाले 4 नवंबर को गुरु नानक देव की जयंती आ रही है, जिसे देखते हुए शहर के सभी गुरुद्वारा समिति की ओर से विविध धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। अकोला सिंह सभा गुरुद्वारा की ओर से गुरु नानक जयंती के 10 दिन पहले से ही प्रतिदिन सुबह 5 से लेकर 6:30 बजे तक प्रभात फेरी निकाली जा रही है। इस प्रभात फेरी में बड़ी संख्या में सिख बांधव शामिल रहते हैं, जिनमें महिलाओं की संख्या भी लक्षणीय रहती है। प्रभात फेरी के आगे निशान साहब लेकर जत्थेदार चल रहे थे, उनके पीछे पीछे गुरु नानक जी के भजन गाते हुए सिख बांधव चलते हैं। जिन जिन परिसरों में सिख बांधवों के घर है, वहाँ वहाँ यह प्रभात फेरी निकलती है। जगह जगह निशान साहब को फूल मालाएं पहनाई जाती है तथा उनका दर्शन लिया जाता है। गुरु नानक जयंती के एक दिन पहले तक प्रभात फेरी निकाली जाती है। उसके बाद पूजा पाठ भजन व लंगर आदि के माध्यम से गुरु नानक देव जी की जयंती मनाई जाती है। देखते हैं इस प्रभात फेरी की एक झलक। शहर में वाहन चालक यातायात नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इस और शहर वाहतूक शाखा की अनदेखी हो रही है।
दिवाली संपन्न होने के बाद मानो शहर यातायात शाखा के कर्मचारी ज्यादा फलहार खाने के कारण सुस्त तो नहीं हो गए हैं। यह सवाल नागरिकों को इसलिए पड़ रहा है कि शहर में इन दिनों यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले वाहनों पर एक भी कार्रवाई होती नहीं दिखाई दे रही है। शहर में तिबल सीट वाहन दौड़ाना, क्षमता से अधिक प्रवासी बिठाना, कर्णकर्कश हॉर्न बजाना, ओवरलोड माल भरना, ऑटो रिक्शा में ईंधन के रूप में केरोसिन का उपयोग करना आदि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाली घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है। दीपावली के दिन तक शहर के सभी रास्तों पर यातायात पुलिस सक्रिय नजर आ रही थी, लेकिन जैसे ही दिवाली खत्म हुई मानो यातायात पुलिस जैसे गायब ही हो गई हो, जिसके चलते शहर में दुपहिया तथा तीन पहियों वाले वाहन चालक अपनी मनमानी पर उतर आए हैं। यह देखते हुए दिवाली का फलहार खाकर शहर यातायात विभाग के कर्मचारी सुस्त तो नहीं पड़ गए हैं, यह सवाल नागरिक कर रहे हैं। अकोला से भुसावल जाने वाली मालगाड़ी के बोगी को लगी आग बुझाने के लिए महापालिका के दमकल विभाग को बुलाना पड़ा। नागपुर से कोयला लेकर एक मालगाड़ी भुसावल की ओर रवाना हो गई थी, लेकिन बोगी में आग लगने की जानकारी मिलते ही रेलवे विभाग के अधिकारियों ने अकोला मनपा दमकल वाहन विभाग की सहायता से आग को बुझा दिया। कुछ दिन पहले ही इसी तरह की घटना अकोला रेल स्थानक पर हो गई थी, उसी घटना की मानो पुनरावृत्ति हो गई हो। मालगाड़ी के डिब्बे से धुआं निकल रहा है, यह जानकारी मालगाड़ी के गार्ड ने ट्रेन चालक तथा अकोला रेलवे स्टेशन व्यवस्थापक को दी थी, जिसकी सूचना दमकल विभाग को दी गई। मालगाड़ी अकोला रेल स्थानक पहुंचते ही यह पहले से ही आ चुकी दमकल विभाग की गाड़ियों की सहायता से आग पर काबू पाया गया। बोगी में लगी आग को बुझाने के बाद मालगाड़ी को भुसावल के लिए रवाना किया गया। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। शिवार फेरी का कुलगुरु के हाथों उद्घाटन। अंधश्रद्धा निर्मूलन कानून को लेकर कार्यशाला का आयोजन। गौरक्षण रोड पर मनपा ने ढहाया मंगल कार्यालय का अतिक्रमण। वरिष्ठ अधिकारियों ने लगाई फटकार, कुंभकर्ण नींद से जागी यातायात शाखा। कुख्यात आरोपी अजय गालट चढ़ा पुलिस के हत्थे। फिर मिलेंगे शहर की ताजा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।